Good morning, sir. Good morning. हरि सिंह, कल रात तुमने किस की परमिशन से गोलियां चलवाई? सर, उस वक्त हालात ही ऐसे बन गए थे कि हरि सिंह, हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। हेडक्वार्टर ने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की जगह वहां शहीद हुए जवानों की लाशें भेज देनी चाहिए सर, फिर रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि सिंह, सर दुश्मन हमारे ठिकाने पर बम और गोले बरसाते रहे, हमारे जवान शहीद होते रहे और हम हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखते रहे, परमिशन का इंतजार करें? सॉरी सर, जब दुश्मन की गोलियां चलती हैं तो उसका जवाब भी गोलियों से ही देना पड़ता है। हरि सिंह, जोश के साथ साथ होश से भी काम लिया करो, ये आपके लिए आखिरी मौका है। नेक्स्ट टाइम कोई गम नहीं सर, वतन की हिफाजत के लिए कोर्ट मार्शल तो क्या, अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन दुश्मन के नापाक कदम अपनी धरती माँ पर नहीं पड़ने दूंगा। ओके, मार्च ऑफ। हिंदुस्तान को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारी छुट्टी मंजूर हो गई हरि सिंह, क्या बात है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, कुछ बात तो जरूर है, वरना तुम इतने परेशान नहीं होते। बताओ हरि सिंह, क्या बात है? कल रात को जो फायरिंग हुई, हेडक्वार्टर्स को उसकी रिपोर्ट चाहिए सर। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, फौज में तो ये रोज की बात है। भाई आर्मी वाला बैठा लेगा इसको? अरे छोड़ यार, ये सब पागल और सनकी होते हैं, जंगल में रह रह के जंगली हो जाते हैं, तू इनको बैठाने की बात कर रहा है? चल फिर उससे मजे लेते हैं। चल चल। और सर कहाँ जा रहे हैं? बस घर तक जा रहे हैं। आइए सर, छोड़ देते हैं ना। ठीक है, प्लीज सर आइए बैठिए। नहीं सर, हम आपको छोड़ देते हैं। ना ना ठीक। अरे अरे चलिए सर, प्लीज चलिए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एकदम सर, पता नहीं यार कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। अरे सर, वो थोड़ा पागल किस्म के लड़के थे ना, इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसी बदतमीजी की। बताओ, हम लोग अपनी देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं, मगर कुछ लोग हमें पागल सनकी और जंगली समझकर हमसे बात तक करने से डरते हैं। हाँ सर, कुछ लोग होते हैं किसी के बारे में सोचे समझे ही कुछ भी बोल दिया करते हैं, पर सब ऐसे नहीं होते हैं। हम लोग आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सर। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अ
अरे यार, जैसे तुमने गाड़ी बढ़ाई उसका चेहरा देखने वाला था, मजा आ गया। मजा बहुत आया भाई, लेकिन वो भी सोचेगा किस हरामियों से पाला पड़ा है भाई। बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को? किसी आर्मी वाले को सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान करने का भी तुम लोगों को कोई हक नहीं है, समझे? ये जो आज हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं ना, ये उन्हीं की देन है। सुरक्षा क्या फ्री में करते हैं? सरकार से पैसे नहीं लेते क्या? बात अगर पैसे कमाने की हो ना, तो बहुत से रास्ते हैं पैसे कमाने के। हाँ ये सच है कि उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन किसी को पैसे दे के सियाचिन के बॉर्डर पे तैनात नहीं किया जा सकता। उसके लिए माइंड सेटअप होना चाहिए, खून में वो उबाल होनी चाहिए जिसे बर्फ भी ना पिघला सके। -30 डिग्री पे ये पैसा नहीं वो पैसन काम आता है, और आर्मी बनने के लिए ड्रेस का ही नहीं देश का जज्बा भी होना चाहिए। आप कहते हैं कि देश सेवा फ्री में नहीं होती, आर्मी वालों की कीमत होती है। नहीं, आर्मी वालों की कोई कीमत नहीं होती, उनका मूल्य होता है जैसे आप नहीं चुका सकते। पैसों से केवल नौकरी की जा सकती है, सेवा नहीं। सेवा के लिए तप की जरूरत पड़ती है और त्याग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप घर पे बैठ के नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इंडियन आर्मी क्या होता है मेरे भाई। कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरा यह संदेश तुम्हारे साथ साथ उन सभी देशवासियों से भी है जो यह वीडियो देख रहे हैं, कि मेरे प्यारे भाइयों, आपको कहीं भी फौजी भाई दिखे एक प्यारी सी स्माइल के साथ उनको जय हिंद सर कैसे हैं आप बोलकर उनका मान बढ़ा सकते हैं, ताकि उनको भी लगे कि हिंदुस्तान की जनता उनसे कितना प्रेम करती है और उनके साथ हमेशा है। जय हिंद जय हिंद। अभी अभी 3 लोगों को कुछ आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है, इसी कारण तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की गई है। तुम्हारे लिए इमरजेंसी हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, जहां भी हो तुरंत पठानकोट पहुंचो, अपनी कमान संभाले।
कौर। कर चले सर हम फिदा सर सर जान तन साथियों सर 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 वतन साथियों